हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलेक्स ब्लू से पेपर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। एंड ये वीडियो मैं काफ़ी शॉर्ट बनाने वाला हूं, तो कोशिश करूंगा कि हाँ ज़्यादा टॉपिक ना लूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि एलेक्स ब्लू की एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो अभी मैं कनेक्ट करना नहीं बताऊंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर यही बताया था कि हाँ, जो एलेक्स ब्लू की वीडियो डाली है उसके अंदर यही बताया था एलेक्स ब्लू की एपीआई को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम इस बीटा पेज पे। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि हम अगर रियल ट्रेडिंग करते हैं फायर्स पे, तो फायर्स के लिए ये यूज़ करते हैं, जरोधा के लिए ये, अपस्टॉक के लिए ये, एलेक्स ब्लू के लिए ये सारे रियल ट्रेडिंग के। बट अगर हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का बॉक्स है। ये न्यू फीचर है, इसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं डाली थी। तो ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है यहाँ तक, ये एलेक्स ब्लू के लिए पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू के डाटा से, तो आपके लिए ये वाले कोड है। तो अभी तक जो हमारी पेपर ट्रेडिंग हो रही थी वो ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग व्यू के डाटा से हो रही थी, जिसके अंदर हमें कोई भी एपीआई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। पर ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर फ्यूचर ऑप्शन का या एमसीएक्स का डाटा नहीं होता था, तो वो जो ट्रेडिंग व्यू पे प्राइस होता था वही गेट करता था एंड उसी के अकॉर्डिंग मार्केट पे बाय और मार्केट पे सेल करता था, जिससे लोगों को अपनी सही एक्यूरेसी पता नहीं चल रही थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एलेक्स ब्लू पे अगर आपका अकाउंट है तो पेपर ट्रेडिंग करके आपको क्या बेनिफिट होगा। आपको बस इतना सा बेनिफिट होगा कि आप जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो ऑप्शन फ्यूचर के अंदर या एमसीएक्स के अंदर, तो वो आपके ट्रेडिंग एलेक्स ब्लू के अकाउंट से डाटा उठाएगा कि हाँ उस टाइम उसका क्या प्राइस चल रहा है और कैसे। तो लाइव डेमो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सचेंज पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो अभी तक मैंने एपीआई कनेक्ट नहीं करी, तो एपीआई कनेक्ट करने के लिए यहाँ चार ऑप्शन दिए, जो चार ऑप्शन एक्सचेंज हम सपोर्ट करते हैं रियल ट्रेडिंग के लिए। तो उसके अंदर से आपको एलेक्स ब्लू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपके सामने लॉगिन हो रहा है एंड ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक पेज आ गया, इसका मतलब हमारा अकाउंट कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आप इसे डिलीट मार दो। एंड ये अगर मैंने एलेक्स ब्लू को लॉगिन नहीं कर रखा होता तो यहाँ पर लॉगिन मांगता मुझसे, तो मैंने पहले एलेक्स ब्लू को अकाउंट को लॉगिन कर रखा था इसलिए वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब हमारी एपीआई कनेक्ट है तो अब हम ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मैं अभी जो वीडियो में डेमो दिखाने वाला हूँ वो पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड डेमो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, और जो मैं आपको ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग दिखाने वाला हूँ आज, दिखाने वाला हूँ किसी इंडिकेटर से, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ आप हॉरिजेंटल लाइन से दिखाते हो, तो मैं इंडिकेटर से दिखा रहा हूँ। और जो टाइम फ्रेम लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 5 सेकेंड का। तो आप देख सकते हो मैंने 1 मिनट से 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम कर दिया। एंड इंडिकेटर ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर बहुत फास्ट सिग्नल आए एंड उसका मैटर प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, बस मैं आपको एक डेमो ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ तो इसलिए उसे लगा रहा हूँ। तो मैंने पहले से क्या करता हूँ, मैंने हाइकन हसी पे एक इंडिकेटर बना रखा है, मैंने हाइकन हसी चार्ट करा तो ग्रीन रेड पे बाय सेल करता है, तो बाय डिफॉल्ट उसे मैं लगा देता हूँ। ये ग्रीन एंड रेड इक्वल टू इंडिकेटर है, तो ये हमने इसे ऑन करा। इसे ऑन करने के बाद इसके अंदर एक आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उसे मैं हाइट कर देता हूँ। जो लाइन आ रही है टीपी, हाँ टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, तो टीपी लाइन को मैं हाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे हाइट करा, नोके करा, तो टीपी लाइन हाइट हो गई एंड अब हमारे पास बाय एंड सेल के सिग्नल आ रहे हैं। तो ये काम करता है लो इक्वल टू लो एंड हाई इक्वल टू हाई पे काम करता है। अभी मैं इसके ऊपर कोई भी वो नहीं बताना चाहता, बस मैं आपको ऑर्डर लगा के दिखाना चाहता हूँ कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अलर्ट्स बनाएंगे। अलर्ट्स बनाने के लिए हमें क्या चेक करना है, इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर वो इंडिकेटर सेलेक्ट करना है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो वो ओपन इक्वल टू लो है, तो ये मैंने इस पे सेलेक्ट करा इस इंडिकेटर का नेम। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ कंडीशन शो हो रही है मुझे बाय एंड सेल, तो मैं बाय करना चाहता हूँ। ये इंडिकेटर रीपेंट नहीं होता इसलिए मैं वंस पर बार कर देता हूँ, अगर रीपेंट होता तो वंस पर बार क्लोज करता, तो मैं वंस पर बार कर देता हूँ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर कोड डालना है पेपर ट्रेडिंग का, तो अगर मैं पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल यहां पर नहीं डालूंगा तो मेरे ऑर्डर नहीं जाएंगे। अभी जो बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है वो मैंने डाल रखा है रियल ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले इसे मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूं, डिलीट करता हूं। एंड पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल कहां से मिलेगा मैं दिखा देता हूं। आप अपने डैशबोर्ड पर जाओगे, ये डैशबोर्ड है, यहां पर ये वेबुक यूआरएल लिखा है, ये आपका रियल ट्रेडिंग का यूआरएल है, और जो पेपर ट्रेडिंग यूआरएल लिखा है ये पेपर ट्रेडिंग का है। तो आपको वन टाइम इस पर क्लिक करना है, ये बोल्ड हो जाएगा, इसमें ये कॉपी हो गया है एंड आपको अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में जाना है एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर बस मुझे कोड डालने की मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अभी हम ऐसा करेंगे, मैंने जैसे चार्ट खोल रखा है, पहले मैंने सारी चीज़ें कर रखी है, तो मैंने बैंक निफ्टी का
एक यहाँ नीचे देखोगे तो कॉल पुट लगा रखी है, तो कॉल का रेट अभी जो चल रहा है वो 1,050 रुपये समथिंग चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं से, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला देख सकते हो, 1,030 या 1,035 रुपये चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ जब बाय का सिग्नल आए तो मेरा कॉल ये बाय हो जाए, एंड सेल का सिग्नल आए तो मेरी कॉल है ये एग्जिट हो जाए। तो एज ए डेमो के लिए अगर हम ये ट्रेडिंग व्यू से करते तो बैंक निफ्टी का प्राइस उठाता। अब आप अगर आपके पास एलेक्स ब्लू की एपीआई है देन आप इजिली कनेक्ट करके पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, रियल ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग के अंदर कुछ लिमिटेशन है कि वहां आप ब्रैकेट कवर ऑर्डर नहीं डाल सकते, मार्केट ऑर्डर जाएगा, एंड वहां कोई मार्जिन वगैरह नहीं होता क्योंकि वो एक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। तो अब क्या करते हैं हम इधर जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं हम क्या करेंगे। बीटा सेंटेक्स का ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा, पेज मतलब ये आपके सामने फीचर ओपन हो जाएंगे। तो आपको अब जैसे बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हो, जिस भी कॉल पे काम कर रहे हो उसका आपको यहां पर नाम ऐड करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी आता किस में है। बैंक निफ्टी आता है एनएफओ में, तो हमने सबसे पहले एनएफओ सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना हम क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे कैपिटल में लिख देते बैंक निफ्टी एंड मार्च MAR मार्च कर देते हैं, एंड उसके बाद ये 17,500 की कॉल है, 17,500 की सी। आपको मैं एक बार बता दूं, जो आप यहां पर टाइप करोगे आपके पेपर ट्रेडिंग के अंदर वही लिख के आएगा। आप यहां पर किसी बंदे का नाम लिखोगे तो आपको बंदे का नाम शो होगा, तो इसलिए आप सही सिंबल डालिए, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप जो लिखोगे वही शो होगा। पर यहां पर आपको वो चीज डालनी है जो उसका सिंबल है, उसका इंस्ट्रूमेंट टोकन है। तो आप पहली वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट टोकन होता क्या है। अभी के लिए हम एलेक्स ब्लू का ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कि हमें इसका इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए जो कि ऑफिशियल साइट ने प्रोवाइड करा है। तो यहां पर आपको जिस भी चीज का इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए, यहां सिंबल नहीं डलते, इंस्ट्रूमेंट टोकन डलता है, उस चीज को ओपन करना है। तो हम जाएंगे एनएफओ पे, एनएफओ पे जाने के बाद हम यहां पर सर्च करेंगे बैंक निफ्टी एंड स्पेस, उसके बाद डालेंगे MR मार्च, एंड उसके बाद हम जाते हैं 17,500 की कॉल। तो ये हमारे सामने 17,500 की कॉल ये खोल दी इनने, एंड इसका जो कोड है वो ये रहा। तो हमें इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, एंड अपने कोड पे जाना है और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना। अगर आपका ये कोड सही नहीं है तो आपका ऑर्डर सही डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है बाय करना चाहते हो सेल, तो कॉल हम बाय करना चाहते हैं जब भी हमारा सिग्नल है। कितनी क्वांटिटी में करना चाहते हो, 20 क्वांटिटी में करना चाहते हैं, मतलब एक लॉट साइड में, तो 20 डाल दिया। उसके बाद ये ऑप्शन ऑप्शनल है कि आप फुल्ली ऑटो करना चाहते हो या सेमी ऑटो। सेमी ऑटो में क्या होगा कि आपकी बाय होगा फिर सेल होगा, सेल से शॉर्ट नहीं होगा, पुरानी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। पर फुल्ली वाले को कर देंगे तो पुरानी पोजीशन को क्लोज करेगा और नई पोजीशन ऐड करेगा। तो अभी डेमो के लिए हम ये फुल्ली एल्गो पे ऑन कर देते हैं। जैसे हम ऑन करेंगे यहां पर कोड बनके पहले से तैयार है, बस हमें कॉपी करना। कॉपी करने के लिए हमें ये सिलेक्ट नहीं करना, हमें बस इसे कॉपी बटन पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक कॉपी। अब हम जाते हैं अपने बैंक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे, जहां पर हम अपने अलर्ट्स की कंडीशन बना रहे थे किस बेस पे ये बाय करे। तो कंडीशन तो हमने पहले ही बना दी थी, अब बस हमें कोड डालना है। ये कोड डाला और इसे हमने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे अब बाय का सिग्नल आएगा, ऑटोमेटिक वो कॉल बाय हो जाएगी, अभी मैं दिखाऊंगा। अब एक फटाफट सेल का डाल देते हैं। तो सेल का डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या यहां दोबारा से कोड पे जाएंगे, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे बस सेल सेलेक्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना, और ये कॉपी कर लेंगे, ये हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। इसे फुल्ली ऑटोमेशन नहीं करते क्योंकि बाय तो हम करेंगे और एग्जिट जो करेंगे वो कॉल को कर रहे हैं, तो कॉल के साथ हम कॉल को शॉर्ट थोड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए हम फुल्ली ऑटोमेशन हटा देते हैं। एंड कॉपी करा हमने कोड, एंड दोबारा हम इधर गए, एंड इसके बाद हमने एक अलर्ट्स और जनरेट करा, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ इंडिकेटर का नाम लिया जिस पे काम करना चाहते हैं, सेल पे हमारी पोजीशन क्या होगी, एग्जिट होगी। तो हम ये कोड डाल देते हैं जो हमारी बाय की पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए, तो ये हमने डाल के सेव करा। सेव करने के बाद जो अलर्ट से आपको यहां पर शो होंगे, और ये 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में लगाए, मैंने फिर से बता रहा हूं आप अपने टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, मैंने एज अ डेमो वीडियो के लिए लगाया इंडिकेटर पे। अब मैं आपको बता दूं आपको क्या खोलना है, पेज खोलना है, पेपर ट्रेडिंग वाले पेज पे क्लिक करना है और ये पेज खोल लेना है। उसके बाद आपका पीसी बंद हो, आपका एलेक्स ब्लू बंद हो, उससे मैटर नहीं करता, ऑटोमेटिक जितनी भी ट्रेड होगी वो डाटा आपको इस पेज पे दिखेगा। तो अभी के लिए तो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को आपको डेमो दिखाना है। तो अभी हम देखेंगे, तो अभी एक ये कॉल बाय भी हो गई, ये एक बार देख लेता हूँ कब बाय हुई है, 12:27। तो आई थिंक ये आज का डाटा, आज का 24, एक मिनट देख लेते हैं, आज 24 तारीख है, एंड
12:27 नहीं, ये अभी कोई बाय का सिग्नल आया होगा उस पर ये कॉल बाय हुई है एंड हमें पता भी नहीं चला कब आया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हाँ ये जस्ट ये आया है 12:25 पे आया है, सॉरी ये 14:12:25 पे आया है, तो मतलब वही 2:12:25 पे जो उनने बाय कर लिया है। अब जैसे ही सेल की पोजीशन आएगी वो एग्जिट कर देगा, तो यहाँ पर एक डाउनफॉल है कि आपका ऑर्डर बैक एंड में लगा होता है। अगर आपको लाइव देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, जो भी ऑर्डर लगते हैं वो आपको दिख जाते हैं। तो ये देखिए इनने एग्जिट भी कर दिया, तो ये आपको दिखा रहा है कि इनने ये कॉल इतने की ली थी और इतने में एग्जिट कर दी। तो इसके अंदर जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ हमें 14 पॉइंट का, एंड परसेंटेज में काउंट करें तो ये 0.7% का हमें लॉस हुआ है। ये जो लॉस दिखा रहा है आपको कोई भी फीस डिटेक्ट करके नहीं दिखा रहा, ये फीस वगैरह डिटेक्ट आपको करनी है कि 50 रुपये एक ट्रेडिंग का कटता है या 100 रुपये पर ट्रेडिंग का कटता है, वो आपको चेक करना है बस ये एज अ एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो हम वेट करते हैं दूसरे सिग्नल का। तो ये देखिए जैसे कि 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में इनने ये कॉल यहाँ बाय करी थी और यहाँ एग्जिट कर दी, फिर से ये बाय का सिग्नल आया, आप देख सकते हो इनने बाय कर ली होगी। दोबारा चलते हैं हम पेपर ट्रेडिंग पे, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो मास्टर रिफ्रेश के बटन को दबाओगे तो आप देख सकते हो फिर से इनने इस कॉल को बाय कर लिया। तो मैंने इतनी फास्ट इसे इसलिए लगा रखा है कि मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा सकूं एक इंडिकेटर के बेस पे। ऐसे ही ये रियल ट्रेडिंग में भी काम करता है। रियल ट्रेडिंग के अंदर आपके पास रियल ऑप्शन होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एंड आपको काम करना आता है तो आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। पर पेपर ट्रेडिंग में लिमिटेशन है कि आप मार्केट ही ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप कोई SL वगैरह ये चीजें नहीं लगा सकते। बस यहाँ 2 कोड हैं, बाय एंड सेल, तो जिसको मैंने मॉडिफाई करके ये कर दिया कि कॉल बाय करें एंड सेल पे एग्जिट कर दे, जो रियलिटी में होता है। अगर आप रेगुलर ऑर्डर लगाते हो तो पहले कॉल बाय करते हो फिर सेल करके उसे एग्जिट कर देते हो, तो वही ये कर रहा है। तो इनने ये कॉल यहां बाय करी एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने इस पे, तो आप प्राइस भी देख सकते हो यहां प्राइस चल रहा है एंड एक बार देख लेते हैं। ये बाय करी, फिर सेल का भी सिग्नल आ गया, फिर बाय का भी सिग्नल आ गया, उसके बाद 5 सिग्नल आ गए। जो भी सिग्नल आते हैं वो आपको यहां पर दिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं, जो भी अलर्ट्स आते हैं वो यहां पर दिखते हैं। अगर हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे अपने पेपर ट्रेडिंग के पेज पे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहां पर काफी सारे ऑर्डर लग गए। जो भी एक्टिव ऑर्डर हैं आपको नीचे दिखेंगे, तो अभी कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं है और तीनों ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है। एक के अंदर 52 पॉइंट का लॉस हुआ है, एक के अंदर इतने पॉइंट का लॉस हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू कॉल पुट ऑप्शन पे काम कर रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो ये जो लॉस है या प्रॉफिट है ये मेरा दिखाना मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आप अपनी एक्यूरेसी कैसे टेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में लगाया। देखो एक बाय आया है, दोबारा हम चलते हैं एंड इसे मास्टर रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर वो ऑर्डर दिख जाएगा। तो ये बाय का आप देखोगे यहां दिख रहा है और एक्टिव पोजिशन में जाओगे तो ये बाय का ऑर्डर दिख रहा है, जो भी हमने नाम टाइप करा था, इतने पे बाय करा इनने, ये पोजिशन बाय की थी, इतनी क्वांटिटी ली। PL इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी ट्रेड कटी नहीं, टोटल अमाउंट इससे अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना अमाउंट लगा। तो यहां आपको लेवरेज भी नहीं दिखा रहा, जो आपका मार्जिन होता है वो भी नहीं दिखाएगा, ये बस ये रियल ट्रेड के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि अगर आप रियलिटी में ऐसे बाय करते तो इतना अमाउंट लगता। तो अब ये जब ट्रेड क्लोज होगी फिर आपको दिख जाएगा। अगर टोटल लॉस प्रॉफिट देखना तो आप यहां देख सकते हो अभी तक जितनी भी ट्रेड हुई है उसके अंदर 364 पॉइंट का लॉस हुआ है, परसेंटेज अकॉर्डिंग जाए तो 1-2% के आसपास लॉस हो रहा है, 60 ट्रेड हो गई है। तो दोबारा हम यहां चलते हैं, यहां बाय का सिग्नल आ गया एंड ऐसे आप मल्टी स्टॉक लगा सकते हो, मैं एक ही लगाया है, आप ऐसे मल्टी लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, जब तक हम दूसरे पे चलते हैं इसको हम छोड़ देते हैं, ये जितनी भी ट्रेड कर रहा हम चलते हैं अब किसी उस पे, चलो हाँ क्रूड ऑयल पे चलते हैं। जैसे कि काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्रूड ऑयल पे काम करने में, हमने क्रूड डाला CRO क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल डालेंगे काफी सारे क्रूड ऑयल आ जाएंगे, CDF करेंगे, CFD करेंगे तो काफी सारे क्रूड ऑयल आएगा। यहाँ डॉलर के प्राइस में क्रूड ऑयल आता है, तो अगर मैं क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो वो भी देख लेते हैं उसका क्या रेशियो आ रहा है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, 2 सिग्नल बनाएंगे। सिग्नल बनाने से पहले हम जाएंगे इस पेज पे, आपको दिखा देता हूं कहां गया, ये वाले पेज अभी तक दिखा नहीं, ये वाले पेज पे, और यहां पर हम एंट्री सेलेक्ट करेंगे और क्रूड ऑयल का जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है, सिंबल का टोकन है, वो गेट करेंगे कि क्या है। तो हम कर देते हैं क्रूड ऑयल CODE क्रूड ऑयल एंड APR अप्रैल फ्यूचर, तो अप्रैल फ्यूचर में काम करेंगे, ऐसे आप कॉल पुट भी लगा सकते हो। तो क्रूड ऑयल का जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है ये रहा, तो हम इसका फटाफट एक कोड बनाएंगे। कोड बनाने के लिए हम इधर जाएंगे, क्रूड ऑयल MCX में आता है, इधर आप जो टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। मैं अभी के लिए हम क्रूड ऑयल टेस्ट लिख देते हैं, वही आपको आपके उसमें शो होगा। तो हमने क्रूड ऑयल ही लिख दिया, आप जो लिखना चाहते हो वो यहाँ टाइप कर सकते हो। उसके बाद हमने सही इंस्ट्रूमेंट टोकन डाला, पहले हम बाय करेंगे एंड ये फ्यूचर है तो इसमें बाय सेल टोटली करेंगे, फुल्ली ऑटोमेशन, एंड इसके अंदर जो क्वांटिटी लेंगे वो 1 क्वांटिटी लेंगे, तो हम 1 कर देते हैं।
एंड फुल्ली ऑटोमेशन एंड कोड हो गया, इसे हमने कॉपी करा एंड हम गए ट्रेडिंग व्यू पे और फटाफट हमने एक बाय का सिग्नल बनाया। बाय का सिग्नल बनाने के लिए हम वॉच के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जाएंगे, ये अपना इंडिकेटर लेंगे जो लगा रहे बाय डिफॉल्ट, यहाँ सेलेक्ट करेंगे बाय। ये जैसे रीपेंट नहीं होता तो वंस पर बार करेंगे, हमारा यूआरएल पहले से डला हुआ है तो हम नहीं डालेंगे, यहाँ हम कोड डाल देंगे क्रूड ऑयल का एंड सेव। अब क्या होगा, बाय का सिग्नल जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक बाय कर लेगा, पुरानी पोजीशन को क्लोज कर देगा। ऐसे हम सेल का बनाते हैं, सेल के लिए दोबारा हम इधर गए, अब हमें कुछ नहीं करना, बस सेल पे क्लिक कर देना एंड कॉपी। आप दोबारा से भी कोड को बना सकते हो, मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूं तो मैंने बस सेल करा एंड कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे हर कमांड का पता है। तो मैं दोबारा इधर गया, अब एक सेल का कोड बनाता हूँ फटाफट। तो वॉच के आइकन पे क्लिक करा मैंने एंड फिर से हमने अपनी कंडीशन बनाई, तो हमारी कंडीशन ये सेल की है एंड वंस पर बार, पुराने ऑर्डर को क्लोज करे, नया ऑर्डर ले, ये फुल्ली ऑटोमेशन बना रखा। अब ये देखिए दोनों में बाय सेल करेगा, तो अभी तक एक सिग्नल आया एमसीएक्स का, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, जो भी नए अलर्ट्स आएंगे वो आपको दिखेंगे। तो अब चलते हैं हम इस अपने इस पेज पे एंड इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ क्रूड ऑयल की भी बाय सेलिंग दिखेगी। ये देखिए हमने जो क्रूड ऑयल लिखा था अपना समझने के लिए, वो क्रूड ऑयल के अंदर इनने इस प्राइस पे ही बाय करा। तो अगर आप एनएस इस पे जाओगे तो इस टाइम पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस चल रहा है फ्यूचर का कहां पर है ये रहा, तो आप देखोगे 1941 रुपए चल रहा होगा, जब जब हमने बाय करा उस टाइम 1941 रुपए होगा। तो अब जैसे ही कोई सिग्नल आएगा क्रूड ऑयल में ऑटोमेटिक, अब आप अपना पीसी भी बंद कर दोगे या सब कुछ बंद कर दोगे उसके बाद भी ये काम करेगा। बस एक लिमिटेशन है, एक दिन में पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप 100 ऑर्डर डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये हमने भी लिमिटेशन लगा रखी है। बट आप रियल ट्रेडिंग करते हो एल्गो से तो उसके अंदर आप जितने मर्जी ऑर्डर डालो, क्योंकि वो हमारे अंडर में नहीं, वो एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी ऑर्डर डालो। पर पेपर ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो लिमिटेशन है, अभी 100 ऑर्डर किए तो आप देख सकते हो दोबारा बार एमसीएक्स के सिग्नल आए, एनएफओ के सिग्नल आए, हम जाते हैं पेज पे एंड इसे रिफ्रेश कर देते हैं मास्टर रिफ्रेश, तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल जो बाय हुआ था वो इस प्राइस पे हुआ था और सेल भी हुआ इसी प्राइस पे, तो सेम प्राइस पे हमारा सिग्नल आ गया था जिसके अंदर हमें इतने का लॉस हुआ। तो अगर आप देखोगे एक्टिव ट्रेड के अंदर अभी एक क्रूड ऑयल की ट्रेड एक्टिवेट है सेल साइड से, तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पुरानी ट्रेड को क्रूड ऑयल के अंदर बता रहा हूँ, पुरानी ट्रेड को क्लोज कर रहा है, नई ट्रेड ले ले रहा है, वो शॉर्ट साइड से हो या लॉन्ग साइड से डज नॉट मैटर। बट जो कॉल के अंदर बैंक निफ्टी की कॉल के अंदर काम कर रहा है उसमें ये कर रहा है कि कॉल ले रहा है और सेल आने पे एग्जिट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमने दो कंडीशन लगा रखी है एंड जो कंडीशन लगा रखी है अभी 5 सेकंड के टाइम में लगा रखी है, इसलिए फास्ट फास्ट सिग्नल आ रहे हैं। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ओपन इक्वल टू लो है और लो इक्वल टू ओपन है, एक बार मैं देख के आपको नाम बता ही देता हूं। ये आप देख सकते हो ओपन इक्वल टू लो एंड ओपन इक्वल टू हाई, इस बेस पे ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है हाइकन एसी के ऊपर, तो ये काफी फास्ट काम करती है एज अ चेकिंग के लिए, एज अ टेस्टिंग के लिए। तो मैंने इसको आज यूज कर लिया है, आप कोई भी इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू से लगा सकते हो, सुपर ट्रेंड, सीपीआर, पिवोट पॉइंट, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया। तो आई थिंक जो लोग पेपर ट्रेडिंग करना चाहते थे, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ट्रेडिंग व्यू पे तो हम जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं वो तो ऑप्शन फ्यूचर का डाटा नहीं प्रोवाइड करता, तो अब आप एलेक्स ब्लू की एपीआई के साथ ये चीज कर सकते हो। आप इससे इसमें जो भी आपको सेगमेंट एलेक्स ब्लू प्रोवाइड करता उन सबके अंदर ऑर्डर लगा सकते हो। तो लास्ट टाइम में एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको पेपर ट्रेडिंग का पेज, ये मैंने इसे ऑटो रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर ये पूरा टोटल लॉस एंड प्रॉफिट अभी तक जो अब तक देखें तो जो प्रॉफिट हुआ था एक बार 30 पॉइंट का प्रॉफिट ये बैंक निफ्टी में हुआ, 111 पॉइंट का, 113 पॉइंट का, इस तरीके से दिखा रहा, लॉस के रेशो बहुत ज्यादा है। एंड ये क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, एक डेमो ट्रेडिंग कर रहे थे इसलिए वो 5 सेकंड में लगा रखा, और वो ट्रेड अगर हम ऐसे लगा के चले 5 सेकंड में बैंक निफ्टी पे तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, एक दिन के अंदर कुछ नहीं तो 1 लाख ट्रेड तो दे ही देगा वो, जिसकी फीस ही इतनी हो जाएगी कि हाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो ये चीजें मैंने बता दी, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अभी नहीं ट्रेड ऑफ करनी, आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 1 बाय 1 अपने सिंबल को भी ऑफ कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं मेरे को एक क्लिक में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड ऑल स्टॉप कर दोगे, जैसे ही ऑल स्टॉप करोगे यस पे क्लिक करोगे ये सारे रेड हो जाएंगे, रेड का मतलब सारे ऑफ हो गए, अब आपका ट्रेड एक्सचेंज पे नहीं जाएगा। अगर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका पेपर ट्रेडिंग में ऑर्डर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो अलर्ट्स कंडीशन थी सारी ऑफ कर दी है। तो अब मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, पेपर ट्रेडिंग के पेज पे गया, इसे मास्टर रिफ्रेश करा, तो अब यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो एक्टिव ऑर्डर रह गया तो वो ये वाला ऑर्डर रह गया था। आई थिंक ये फीचर आपके काफी काम आएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई, जब भी 20 मिनट की वीडियो बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।